दोस्तों आज हम लोग चल रहे हैं मंदार हिल। मंदार हिल एक बांका में छोटी सी पहाड़ी है। सिर्फ एक या पर्यटन के रूप में ही नहीं विकसित है या फिर जाना जाता है। यहाँ पे हिंदू धर्म की मान्यताएं बहुत ज़्यादा है और ऐसा माना जाता है या फिर ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जो पहाड़ यूज हुआ था वो वही मंदार हिल्स में है। दूसरी मान्यता ये है कि मंदार हिल्स में सीता माता कुछ दिन यहाँ पे रही थी और उनके रहने का जो स्थान है वहाँ आज वहाँ पे एक सीता कुंड है उनके नियर बाई में। और मंदार हिल के सबसे ऊपर में जैसे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे वहाँ पे कि वहाँ पे एक जैन टेंपल है। लेकिन मंदार हिल में ऐसे बहुत सारी गुफाएँ हैं जिनका रास्ता आज बंद कर दिया गया है, या तो आप उसमें नहीं जा सकते। उस जगह को भी हम वहाँ पे भी चलेंगे। मंदार हिल में एक और सबसे नीचे में पापनाशिनी कुंड है। इसमें ऐसा माना जाता है कि उसमें जो भी स्नान करता है उसके सारे पाप से मुक्ति मिल जाता है। उसी पापनाशिनी कुंड में भगवान विष्णु का मंदिर भी है। हालांकि वो मंदिर अभी हाल फिलहाल में कुछ दशक पहले बना है लेकिन उसका भी मान्यता भी बहुत ज़्यादा है। मैं अभी मंदार हिल भागलपुर से जा रहा हूँ। बाय रोड आप देख सकते हैं रोड का कंडीशन ठीक ठाक है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये रोड एक सिंगल लेन की है। जहाँ से मंदार हिल के लिए रास्ता बिल्कुल रहता है वहाँ तक, उसके बाद फिर और पतला रोड हो जाता है। मंदार हिल भागलपुर से 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अप्रोक्स आप बाइक से जाते हैं एक घंटा तो टाइम लग ही जाएगा। इस रास्ते में डे टाइम में थोड़ा सा ट्रैफिक मिलता है पीक आवर में, उसके बाद ट्रैफिक नहीं मिलेगा। बेसिकली ये रास्ता भागलपुर को झारखंड से कनेक्ट करती है तो इसलिए थोड़ा सा मेन मार्केट आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा दोनों साइड से ट्रैफिक मूवमेंट ज़्यादा होता है। आगे जैसे ही जाइएगा वैसे ही ट्रैफिक कम स्मूथ मिलता है। विष्णु या भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था। जाने मंदिर को छोड़ दिया है, पता नहीं एक तो मिथोलॉजी ही है। मैं तो आज पहली बार वहाँ जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ आगे जाकर क्या यह सच है या झूठ है। ये हाईवे से कट करके मंदार हिल के लिए जाना पड़ता है। आई थिंक अप्रोक्स 2 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा मेन गेट मंदार के लिए। रोड का कंडीशन जस्ट लाइक गांव का जो रोड होता है विलेज एरिया का होता है, जो एक गांव दूसरे गांव को कनेक्ट करता है उस टाइप का। ये मंदार हिल का मेन गेट है जो एक गेट बनाया गया, बट इसे आप सर्विस रोड के टाइप में ही कर सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन काफ़ी बदतर स्थिति में ये रोड है। कंस्ट्रक्शन तो लगा हुआ है लेकिन बट उस टाइप का रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं होता है जो रिक्वायर्ड होता है। ये आ गए हम लोग मंदार हिल्स। एक्चुअली मैं अभी मंदार हिल्स का सेकेंड गेट के पास पार्किंग कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट गेट के पास आज संडे है तो ट्रैफिक ज़्यादा होगा और वहाँ पर पार्किंग के लिए थोड़ा सा रश होता है, तो इसलिए आज मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ।
चलते हैं मंदार हिल्स के अंदर। ये है पापनाशनी लेक, पापनाशनी कुंड, और सामने में जो आप टेंपल देख रहे हैं वो भगवान विष्णु का मंदिर है, और जो टॉप पहाड़ी पे आप ऊपर की पहाड़ी पे देख रहे हैं वो जैन टेंपल है। हमें उस पहाड़ी के ऊपर चलना है। ये भगवान विष्णु का मंदिर के पहुँचने के लिए बनाया गया है। भगवान विष्णु का जो मंदिर है बीचों बीच पापनाशनी कुंड में। इस कुंड के चारों तरफ दुकानें हैं, शॉप्स है, आप चाहिए तो यहाँ डिजिटल फोटोग्राफी के लिए भी ऑप्शन है। एक मान्यता ये भी है पापनाशनी कुंड का कि यहाँ पर स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों की मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु का ही है। ऊपर चलने पे थोड़ा सा टफ और डिफ़िकल्ट चढ़ाई होता है क्योंकि स्टेप खड़े हैं, और अभी जस्ट कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चल ही रहा है। हम अभी सीता कुंड के पास हम लोग पहुँच चुके हैं। ये सीता कुंड है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। सीता कुंड के चारों तरफ कुछ टूटे फूटे पत्थर मिलते हैं, जैसे लगते हैं कि किसी पुराने मंदिर का हिस्सा रहे हो या मंदिर बनाने के लिए लाए गए हों। अभी हम लोग एक समाधि के पास जा रहे हैं जो काफ़ी लोकप्रिय और अपने टाइम बहुत सारे लोगों के भगवान माने जाते हैं। ये हैं मारांग बुरु, ये बुरु समाज के लोगों के पूजनीय पर्सन हैं। जब आप सीता लेक के पास आइएगा तो यहाँ पे चारों तरफ से इतना ज़्यादा पत्थर बिखरा हुआ मिलता है कि ये देख के समझ में नहीं आता है कि ये पत्थर लाया कहाँ से गया होगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सीता यहाँ पे सीता कुंड के पास में पहले एक भव्य मंदिर हुआ करता था, ये पत्थर उसी का शेष है। हर पत्थर पे एक अलग टाइप का नक्काशी किया हुआ, पत्थर पे एक अलग टाइप के कलाकारी का काम है। इस पत्थर को आप देख सकते हैं, ये साफ तौर पर से लगता है कि ऐसा देखने में कि किसी मंदिर का मुख्य द्वार का या फिर द्वार पर लगे हुए बने हुए हिस्से हो। आप बाएं साइड में पत्थर का देख सकते हैं, नीचे पड़ा हुआ पत्थर का, ये सारे वैसे ही हैं। यहाँ पे अभी जस्ट रोपवे शुरू हुआ है ऊपर जाने के लिए, जो कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ था शायद, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं वो इस चढ़ाई को चढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें थक जाता है। एक्चुअली मैं भी इसको 2 या 3 घंटे में चढ़ पाया था, क्योंकि सुबह में जब शुरू किया था चढ़ना तो उस समय काफ़ी गर्मी था, अचानक से फिर तेज़ बारिश हो गई। अभी देख सकते हैं अभी अब बारिश हो रहा है। ये एक और कुंड है, इस कुंड की सबसे बड़ी खासियत है कि इस कुंड से का पानी कभी घटता नहीं है, और इस कुंड के किनारे से एक अंदर एक सुरंग जाता है। वो सुरंग कहाँ तक जाता है कोई नहीं जानता। ऊपर तक जाने के लिए आपको ये इस टाइप की सीढ़ियाँ मिलेगी जो अभी न्यूली जस्ट बन रही है। ये सीढ़ियाँ अभी बनना शुरू, इससे पहले ऐसे ही पहाड़ के ऊपर से जाते थे, कोई जाने आने का रास्ता नहीं था। जो अब चढ़ाई है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि सीढ़ियाँ जैसे जैसे ऊपर चलते जाइएगा आप थोड़ा सा थकावट फील आता है कि भागना पड़ेगा। एक चीज़ और है कि मंदार हिल्स के हर 100 मीटर के आसपास में कोई ना कोई ऐसा केव मिलता है, जहाँ पे उस एक केव जैसे आप ये देख सकते हैं, एक केव है ये पत्थर से ढका हुआ है। अब ये केव अंदर आगे जाता है कि ये सिर्फ वहीं तक ख़त्म हो जाता है, इस ये समझ में नहीं आता, और ना ही कहीं इस पत्थर से दूसरी तरफ से रास्ता है, लेकिन वो क्लियरली समझ में आता है कि वहाँ से एक रास्ता अंदर की तरफ निकलता है।
सामने देख सकते हैं कि एक और गुफा है। अब इस गुफा में भी आप अगर अंदर जाते हैं तो फिर आगे का मार्ग ऐसा लगता है कि किसी ने बंद कर दिया हो, पीछे से पत्थर डाल के या फिर इसी पत्थर से बंद कर दिया गया। यहाँ से रास्ता दो तरफ से बढ़ जाता है, एक तरफ आप जैन टेंपल में ऊपर जा सकते हैं, दूसरी तरफ से एक गुफा था जो आज के डेट में वो बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से अगेन वो पत्थर स्लाइड किया गया है या हो चुका है। चलिए देख खुद देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो गुप्त ऋषि कोई हुआ करते थे, जो गुप्त मुनि हुआ करते थे, उनका एक योग और साधना करने का गुफा था। आज के डेट में आप उस गुफा को एक्सेस नहीं कर सकते, उस गुफा के अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि तीन बड़े बड़े पत्थर डाले गए हैं। या यूँ कहें कि कभी भूकंप जोरदार आया हो, ये पत्थर चले आए हो, या फिर किसी ने डाल दिया हो। गुफा में जाना तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है मेरे भाई। चलिए अब चलते हैं जैन टेंपल की ओर। वाकई में इस सीढ़ियों पर चढ़ने से समझ में आता है कि हमें एक्सरसाइज करने की कुछ ज़्यादा नहीं ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चाहें कि एक बार में मैं पापनासिनी कुंड से जैन टेंपल पर चढ़ जाऊं तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा पॉसिबल है अभी। ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, सीढ़ियाँ बिल्कुल खड़े ढलान है जैसे आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे भी आने पे ऐसा समझ में आता है कि हर तरफ भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, नरसिंह भगवान और भगवान शिव की नक्काशी हर पत्थरों पे किया गया है। आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ एक और गुफा है जो ज़मीन में अंदर जाता है, जैसे रास्ता है, लेकिन आगे 100 मीटर के आगे जाने पर इसका रास्ता बंद हो जाता है। अभी मैं आपको नीचे जा रहा हूँ और खुद दिखाता हूँ कि जो सामने आप देख सकते हैं कि एक पत्थर के सिर ढका हुआ है, एक्चुअली ये नीचे की तरफ जाने वाला गुफा है। इसका 10 या 12 सीढ़ी अभी भी दिखता है, लेकिन उसके बाद सारे मिट्टी से ढके हुए हैं। इसके दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि एक तरफ भगवान नरसिंह है तो दूसरी तरफ भगवान विष्णु का लेटे हुए के रूप में बनाया गया, संस्कृत में कुछ शब्द भी लिखे गए हैं। आप फिर ले देख सकते हैं कि भगवान विष्णु की प्रतिमा उसी पत्थर में पहाड़ में काट के बनाया गया, अलग से नहीं लगाया गया। ये जितने भी भगवान की आप मूर्ति, ये भगवान नरसिंह का, आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ लिखा गया है इस पत्थर के ऊपर। ये जितने भी मूर्तियाँ बनाएंगे अलग से नहीं बनाए हुए, उसी पहाड़ में लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जैन टेंपल से कितना खूबसूरत नज़ारा है मंदार हिल का। आगे चलते हैं अब जैन टेंपल के अंदर। ये जैन टेंपल जाने का मुख्य मार्ग है। मंदार हिल्स के सबसे ऊंची चोटी पर ये जैन टेंपल बना हुआ है, ये उसका जैन टेंपल का मुख्य द्वार है अंदर जाने का।
वासुकी जिसकी उनका एक सैन्य कक्ष है, उनका अभी भी पादुका रखा हुआ है जो खड़ा हुआ उस समय पाना करते थे, वो अभी भी यहाँ पे है। हम लोग इसके बाद चलेंगे जो मेन टेंपल है उसके अंदर। दोस्तों ये शानदार नज़ारा है जैन टेम्पल से मंदार हिल्स का। बाकी एक अद्भुत जगह है, इतना तो देखने में समझ में आता है कि कुछ जगह